हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मनमोहन सर एंड यू आर वाचिंग इंडिया नंबर वन यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो दोस्तों, स्टार्ट हो जाइए जल्दी। इस वीडियो क्लास में आपको आज मिलेगा अपॉन प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन के इस क्लास में आपको मैं बता रहा हूं अपॉन के बारे में, अपॉन का यूज कैसे कब कहां करते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए आप सभी लोग इस भारत के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल में, और पेन और कॉपी जरूर निकाल लें नोट करने के लिए। और जब भी आपको समझ नहीं आ रहा है, एनी प्रॉब्लम यानी कोई भी समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। दुनिया के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से ये टॉपिक है प्रपोजिशन, जिसमें आज बताऊंगा अपॉन प्रपोजिशन के बारे में। अपॉन का यूज दोस्तों पर या के ऊपर के अर्थ में किया जाता है। अपॉन का यूज पर या के ऊपर के अर्थ में किया जाता है। दोस्तों नोट कर लें आप इसका कैसे यूज करते हैं। दोस्तों जब भी कोई नाउन गतिमान अवस्था में, यानी कि मोशन अवस्था में, जब भी कोई नाउन गतिमान अवस्था में किसी दूसरे नाउन से स्पर्श करती है, तो हम ऐसे कंडीशन में पर या के ऊपर के अर्थ में अपॉन प्रपोजिशन का यूज करते हैं वहां पर। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुने इस पूरी वीडियो को, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, निश्चित रूप से आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में अपॉन प्रपोजिशन के बारे में। मैंने बताया दोस्तों, जब भी कोई नाउन गतिमान अवस्था में किसी दूसरे नाउन से स्पर्श करती है या उस नाउन के ऊपर गिर पड़ती है या बैठ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप पर या के ऊपर के अर्थ में अपॉन प्रपोजिशन का यूज। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाता हूं मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, सभी लोग जुड़ जाए। साथियों, यदि कोई भी दोस्त या कोई भी छात्र मेरे चैनल पर नया है, तो रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नया अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। आपको लगातार आप लोग जुड़े रहें, पूरी इंग्लिश सिखाने का जिम्मा जो मैंने उठाया है, अपने दोस्तों को भी जोड़े इस भारत के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल में इंग्लिश सीखने के लिए। दोस्तों एग्जाम्पल क्यों बढ़ जाता हूं, एग्जाम्पल आप नोट कर लें। जैसे मैंने कहा कि मैं सोफा के ऊपर कूदा, ये मैं सोफा के ऊपर उछला, आई। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखें आप और उसे नोट करें। आई स्प्रेंग अपॉन द सोफा, आई स्प्रेंग अपॉन द सोफा, मैं सोफा के ऊपर उचका या सोफा के ऊपर कूदा। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही सोफा के ऊपर कूदा तो यहां पे क्या होगा, मोशन होगा, यहां पे गति हो रही है। मैं सोफा के ऊपर कूदा, तो मैं जब मैं कूदा तो इसमें मोशन हुआ ना दोस्तों की नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप जितने भी लाखों करोड़ों आपको ऐसे सेंटेंस मिले और ऐसी कंडीशन मिले आपको, तो हाँ अपॉन फिर करना है आपको बिना सोचे समझे। मैंने कहा कुत्ता बिल्ली के ऊपर झपटा, द कैट जंप अपॉन द रैट, द कैट जंप अपॉन द रैट, बिल्ली चूहे के ऊपर झपटी, बिल्ली चूहे के ऊपर झपटी,
तो यहां पर जो कैट है दोस्तों, इसमें मोशन हो रहा है, यानी कैट इज अ नाउन एंड रैट यानी कि चूहा इज ऑल्सो अ नाउन। ये दो नाउन है यहां पर। जो पहली वाली नाउन थी बिल्ली थी आपकी, उस बिल्ली बिल्ली जैसे दूसरी नाउन के ऊपर उचकी या कूदे, तो इस बिल्ली में से मोशन हुआ है जो दूसरी नाउन से स्पर्श किया। समझ आ रहा है ना दोस्तों? नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ जाता हूं। मैंने कहा शेर शिकार के ऊपर झपटा, द लॉइन स्प्रिंग्स अपॉन द प्रे। प्रे माना होता है शिकार। शेर यानी कि लॉइन, लॉइन इज अ नाउन, शेर एक नाउन है जिसमें गति हुई है, जो अपने शिकार के ऊपर जाके कूदा झपटा शिकार पकड़ने के लिए। तो यहां पर मोशन हुआ और जो शिकार थे वो एक नाउन था जिससे स्पर्श हुआ, शेर आपका। तो ऐसे कंडीशन में आपको अकाउंट का यूज करना है। बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। कितने भी एग्जाम्पल आपको इस टाइप से मिले हैं। मैंने कहा कुत्ता टेबल के ऊपर झपटा, द डॉग स्प्रिंग्स अपॉन द टेबल, द डॉग स्प्रिंग्स अपॉन द टेबल, कुत्ता टेबल के ऊपर झपटा। कुत्ता यानी कि डॉग एक नाउन है और टेबल नाउन है, इस टेबल के ऊपर कुत्ता झपटा, तो मोशन हुआ यहां पर नाउन में और जो दूसरी नाउन से स्पर्श हो गया। दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, ऐसे कंडीशन में आप अपॉन का यूज करें पर या के ऊपर के अर्थ में। ये रही दोस्तों आज की क्लास। ये वीडियो लेक्चर छोटा सा ही है दोस्तों, जिसमें मैंने बताया अपॉन प्रपोजिशन के बारे में। इसका सिर्फ एक ही रूल है, इस टाइप के एग्जाम्पल अपने दिमाग में लाखों करोड़ों सोचिए और बना डालिए। जो भी आपको दिक्कत आ रही है मेरे मित्रों, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और ये बताएं कि आपको क्लास समझ आई, इस प्रपोजिशन के बारे में आपको समझ आया या नहीं आया है, वीडियो लेक्चर कैसा लगा। दोस्तों अब मैं चलता हूं, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर के लिए, अगली क्लास के लिए तैयार रहें आप लोग। लगातार आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, और जो भी दोस्त नए हैं मेरे, जो भी भाई नए हैं मेरे, वो रेड बटन को जरूर क्लिक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरा अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और आप सचमुच आप मुझसे जुड़ जाएंगे तो मैं अंग्रेजी सिखा कर दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए अगेन फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। धन्यवाद।